हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 CBSE केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू ट्रांसलेट वर्ड इक्वेशंस इनटू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस सीखा था, उसकी हमने आपको ट्रिक्स बताई थी कि कैसे चुटकियों में आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। लेक्चर अटेंड करके आएंगे फिर यहाँ समझेंगे तो बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। छोटा सा लेक्चर है, मेरे साथ साथ आपको करते रहना है। कॉपी और पेन लेके आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बच्चे, सबसे पहले राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको रिएक्शन दे रखी हैं, रिएक्शन दे रखी होंगी, फॉलोइंग इक्वेशंस नहीं, फॉलोइंग रिएक्शन आपको दे रखी होगी प्यारे। उस रिएक्शन को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कौन कौन से सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं वो दे रखा है, उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और हाँ, ये चीज़ करने से पहले बहुत ज़रूरी है आपको फॉर्मूला बनाना आना कि कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो प्यारे एक मैंने स्पेशल लेक्चर डिज़ाइन किया है आपको, जिस लेक्चर में आपको ट्रिक सिखाई है कि किस तरीके से 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला ऐसे चुटकियों में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं अटेंड किया है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके जल्दी से अटेंड करके आइए, फिर ये देखिएगा आपको चुटकियों का खेल लगने लगेगा ये सारी चीज़ें। फिलहाल क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। कंपाउंड्स के नाम दे रखे हैं, सिंपल फॉर्मूला लिख के आपको उसे बैलेंस करना है। तो फॉर्मूला तो लिखना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अटेंड करके आओ फॉर्मूले वाले। चलो मैं तो यहाँ डायरेक्ट बताऊंगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा बनना है तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड होता है OH, सिंपली इसके नीचे वैलेंसी लिख देनी है, इसकी होती है 2+, इसकी 1-, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का तो फॉर्मूला मालूम ही है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा? कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3, इसका 2+ होता है चार्ज, इसका 2-, ये तो कट गया 1-1, ये बन गया आपका CaCO3। और ये वाटर का तो मालूम ही है H2O। ये क्वेश्चन बन गई, बैलेंस कर दीजिए, Ca1 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 और 2 4, भूल मत जाना 2 और 2 4 हैं टोटल, जबकि इधर 3 और 1 4 हैं, तो बैलेंस है कार्बन 1। यहाँ पे प्यारे कैल्शियम कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, पूरी तरीके से पहले से बैलेंस है, कोई भी नंबर आपको लगाना नहीं है, ठीक है प्यारे। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। एल्युमिनियम का तो सिंबल मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। कॉपर क्लोराइड का क्या होगा भैया? कॉपर का CO और क्लोरीन का Cl। अब कॉपर की क्या वैलेंसी होती है प्यारे? कॉपर की तो 2 वैलेंसीज होती हैं, एक क्यूप्रस वाली और एक क्यूप्रिक वाली। क्यूप्रस वाली 1+ होती है, कॉपर की 2 वैलेंसीज होती हैं, +1 भी होती है, 2+ भी होती है। इसके लिए क्यूप्रस, इसके लिए क्यूप्रिक, या इसके लिए कॉपर 1, इसके लिए कॉपर 2। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो बेटा यहाँ पे आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा है कॉपर में तो हमेशा कॉपर की 2 वाली वैलेंसी लोगे, क्योंकि यही मोस्ट अबंडेंट होता है, यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है इन दोनों में। तो कॉपर की आप 2 वैलेंसी लीजिए, Cl की 1 लीजिए, वे तो 1 होती है, मल्टीप्लाई करिए, क्या हो गया? कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का कितना होता है? 3+, क्लोरीन का कितना होता है? 1-, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया? एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर का सिंबल Cu, ठीक है प्यारे। अभी यहाँ पे बैलेंस कर दीजिए, Al 1, कॉपर 1, क्लोरीन 3, क्लोरीन 2। अरे जब 3 और 2 की बात आती है तो जहाँ 3 है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जहाँ 2 है वहाँ 3 से, ये लीजिए 3 2 जा 6, और यहाँ पे भी 6 करने के लिए
2, 3 जा 6, लेकिन ऐसा करने से एल्युमिनियम चेंज हो गए, एल्युमिनियम 2 हो गए, तो प्यारे यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं हुई, कॉपर 3 हो गए, तो यहाँ पे भी कॉपर 3 करने पड़ेंगे, अब ये क्वेश्चन बैलेंस्ड है। ठीक है प्यारे, बहुत ज़रूरी है, अगला क्वेश्चन जब आएगा तो मेरे करने से पहले आप उसे सॉल्व करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, तभी मज़े आने वाले हैं, वरना बोरिंग लेक्चर होने वाला है। तो साथ साथ में करते जाइए इसको। आपको अगर कलर पूछा जाए तो बेटा जनरली वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जितने भी मेटल्स हैं उनका कलर मालूम होना चाहिए। कॉपर को हिंदी में तांबा कहते हैं, पूजा पाठ में उसके बर्तन यूज़ करते हैं, तांबे के किस कलर के होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। कलर इन जनरल आपको याद होना चाहिए कॉपर का, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ठीक है। और ऐसे ही एल्युमिनियम तो आपको मालूम है सिल्वरी वाइट कलर का होता है, ग्रेइश वाइट इस तरीके से कलर का होता है, वाइट कलर का, फिलहाल ग्रेइश वाइट आप कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखिए प्यारे, आगे का क्वेश्चन करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि मेरे करने से पहले, बताने से पहले आप उसको ट्राई ज़रूर करें, इसलिए जो भी क्वेश्चन आ रहा है साथ साथ में मेरे से पहले आप करते जाइए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोले हैं हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम, आयरन रिएक्ट कर रहा है स्टीम से, ये लीजिए आयरन को रिएक्ट करवा दिया हमने किससे, स्टीम। बच्चे स्टीम तो H2 ही होता है, लेकिन क्योंकि वो गैसियस स्टेट में होती है तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे G लिखना, आयरन की भी स्टेट लिख दो, मेटल है, मेटल्स तो सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। टू फॉर्म आयरन 2-3 ऑक्साइड, अरे ये क्या है आयरन 2-3 ऑक्साइड, फॉर्मूला बनाने वाले लेक्चर में बताया गया है, फिर से बता रहा हूँ बेटा, आयरन जो होता है ना, आयरन की एक्चुअली 2 वैलेंसीज होती हैं, एक 2+ भी होती है, एक 3+ भी होती है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन की तो 2- ही होती है, इस केस में क्या फार्मूला बनेगा, ये कट के क्या फार्मूला देगा, FeO, ठीक है, जबकि ये क्या फार्मूला देगा, Fe2O3, क्योंकि यहाँ पे आयरन की 2 वैलेंसी रही थी इसलिए इसका नाम होता है आयरन 2 ऑक्साइड, और चूंकि यहाँ पे आयरन की 3 वैलेंसी रही थी तो इसका फॉर्मूला होता है आयरन 3 ऑक्साइड। लेकिन ये दोनों मिल भी जाते हैं और मिलके एक दूसरे से नया कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें अगर इन दोनों को मिला के लिख दें तो टोटल Fe कितने हो जाएंगे, Fe3, और O कितने हो जाएंगे, 1 और 3 4, Fe3O4 बन जाएगा, क्योंकि इसमें 2 और 3 दोनों मिले हुए हैं, इसलिए इसका नाम हो जाता है आयरन 2.3 ऑक्साइड। ये एक नई चीज़ निकल के आ रही है जो आपको पता होनी चाहिए, ये है आयरन 2-3 ऑक्साइड, जिसको हम मैग्नेटिक ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि इट हैज़ गॉट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कॉपर, निकल एक्सेट्रा। फिलहाल ये Fe आयरन 2-3 ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Fe3O4, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे नाम लिख देंगे आयरन 2.3 ऑक्साइड। बेटा इक्वेशंस के नीचे नाम ज़रूर लिखना चाहिए, पहले इक्वेशंस में मैंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन आदत डालिए जब भी कोई इक्वेशन लिखेंगे उसके नीचे उस कंपाउंड का नाम ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्योंकि गैस है बनी है तो अपवर्ड एरो बना दीजिए, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, ऐसे लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए हाइड्रोजन, यहाँ लिख दीजिए स्टीम, और यहाँ लिख दीजिए आयरन मेटल, ठीक है प्यारे। चलिए अब इस क्वेश्चन को बैलेंस कर दीजिए, ये Fe1 है, यहाँ 3 है तो कर दिए 3, ठीक है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ 2 हैं, बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 4 हैं, तो यहाँ 4 करने के लिए 4 लगा दीजिए, और ऐसा करने पे हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गए, 8, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 करने के लिए 4 लगाएं, ताकि 4 2 जा 8 हो जाएं, इस तरीके से ये क्वेश्चन बैलेंस हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जितने मैं बता रहा हूँ आप बुक से, किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको ऑन टिप्स प्रैक्टिस होना चाहिए। फिलहाल ये आप नोट कर लीजिए जो मैंने नई चीज़ बताई है, फिर बढ़ेंगे हम आगे। बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, ये लीजिए सोडियम है, मेटल है, मेटल किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर बोला है तो ऑब्वियसली लिक्विड होगा, स्टीम नहीं लेंगे जैसे ऊपर ली थी।
टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, वैसे तो आपको पता होना चाहिए लेकिन बना लेते हैं। चलो, सोडियम पे 1 प्लस का चार्ज, ओ पे 1 माइनस का चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्या बन गया, NaOH, NaOH, ठीक है प्यारे। और प्लस क्या बना, हाइड्रोजन, ये इसके ऊपर अपवर्ड एरो लगा दिया। और NaOH का स्टेट बताओ क्या होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम को पानी में मिलाया है, पानी में मिला के सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन पानी में जो बनता है उसकी स्टेट हमेशा एक्वस होती है। वैसे भी मैंने बोला था ऑल एसिड्स एंड बेसिस आर इन एक्वस स्टेट। इसमें OH लगा हुआ है, OH वाले हर कंपाउंड जनरली बेस होता है, आगे चैप्टर्स में पढ़ाएंगे बेसिस में, तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल इसमें आप एक्वस लगा लीजिए, बैलेंस करने के लिए एक एन ए, एक एन ए, दो हाइड्रोजन, एक और दो, तीन हाइड्रोजन। अब बेटा यहाँ पे करना पड़ेगा चेंज, यहाँ पे दो हैं, यहाँ तीन हैं। अब बेटा अगर आप दो और तीन को बनाना चाहो कि दोनों तरफ तीन तीन हो जाएं, तो यहाँ दो के तीन तो नहीं बन सकते, क्योंकि वन लगाओगे तो टू आएगा, टू लगाओगे तो फोर हो जाएगा, तीन तो नहीं बनेगा। उस केस में आप इधर आप देख रहे हैं दो और एक तीन है, तो बेटा इसे ऑड से इवन बनाओ ताकि दो और दो चार हो जाएं। अब यहाँ पे आप दो लगाओगे तो ये चार हो गए। ऑक्सीजन दो थे, ऑक्सीजन दो बैलेंस, सोडियम दो, तो यहाँ दो सोडियम लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। साथ साथ में करते जाइए, साथ में भी नहीं बल्कि मेरे लिखने से पहले ही आप करिए, फिर देखिए, तभी आपके दिमाग में ये चीज़ें बसने वाली हैं। फिलहाल चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं फॉस्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस मैंने छाट के इसमें करा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझिए। फॉस्फोरस का सिंबल होता है बेटा पी, बर्न्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है ओ टू, टू गिव फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा प्यारे, फॉस्फोरस का सिंबल पी, ऑक्सीजन का ओ, इनके बीच फॉर्मूले के लिए ऑक्सीजन के तो टू माइनस चार्ज होता है वो लिख दिया, फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है फाइव, फाइव, तभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ऑक्सीजन पे पांच आए होंगे, फॉस्फोरस पे दो आया होगा, तभी इसका नाम रखा है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है प्यारे। बैलेंस करने के लिए सिंपल सा है, दो दो, यहाँ पे पांच, तो यहाँ पांच तो नहीं लगा सकते, फिर क्या करोगे, यहाँ 5/2 लगा दो, 5/2 लगा दो, तो देखो 5 × 2 = 10/2 कितने होगा, 5 ही होगा ना, 5 × 2 = 10, 10/2 5 ही हो गए, इधर भी 5 है, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आपका 4, ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा 2, तो देखिए अब बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई, यहाँ पे 2 × 2 = 4 हो गए, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10। डायरेक्ट भी कर सकते थे अपॉन में ना लिख के, सिंपल सा था, आप डायरेक्ट करिए, मैंने ऐसे ही थोड़ा सा आपको समझाया, ऐसे भी होता है कई बार। फिलहाल नेक्स्ट, एल्युमिनियम मेटल रिप्लेसेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक ऑक्साइड आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, अभी बताया था आयरन टू ऑक्साइड, आयरन थ्री ऑक्साइड, जो छोटी वाली वैलेंसी होती है उसमें अस लगता है वो था फेरस ऑक्साइड, और जो बड़ी वाली होती है उसमें लगता है एक, वो था फेरिक ऑक्साइड। तो आप ये देखिए कि एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक मतलब जिसमें वैलेंसी 3+ थी, तो प्यारे फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe2O3 giving aluminium oxide। अब aluminium oxide का formula क्या होगा, aluminium की भी valency 3+ होती है, 2-, formula बना Al2O3 plus iron अलग हो गया, simple balance कर दीजिए, Al1, Al2 ये दो, iron 2 कर दीजिए, oxygen 3, balance हो गई, simple प्यारे तरीके से प्यार प्यार से करते जाइए, चुटकियों का खेल है ये, बिल्कुल बस चुटकियों का खेल, बहुत ही बचकानी चीज़ें हैं, पूरा 10th बहुत आसान है प्यारे, इतना प्यार से उसे पढ़िए कि वाकई में आपको ऐसा लगने लगे कि चुटकियों का खेल है, और वाकई में है भी अगर आप उसे सही से प्यार से पढ़ें तो। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कह रहे हैं राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस विद स्टेट सिंबल्स, यहाँ पे स्टेट्स भी आपको मेंशन करनी है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। क्या बोल रहे हैं, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, देखिए उसने सॉल्यूशन लिख के दिया कि किस स्टेट में, आपको बताएगा बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे, बेरियम का साइन होता है वैलेंसी 2+, क्लोरीन की 1-, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया, BaCl2। बोले सर फॉर्मूला कैसे लिख रहे हो, उसका अलग से लेक्चर है, बार बार बोल रहा हूं मैं,
सॉल्यूशन है तो प्यारे एक्वस लिख देंगे, ठीक है। रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का क्या होता है वैलेंसी 3+, सल्फेट की 2-, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन है तो यहाँ भी आप एक्वस लिखेंगे। टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, अब बेरियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा प्यारे, बेरियम और सल्फेट इसका 2+, इसका 2- कट जाएगा 1-1, फॉर्मूला हो जाएगा बेरियम सल्फेट, और चूंकि प्रेसिपिटेट बन रहा है तो आगे लगा देंगे एक डाउनवर्ड एरो और यहाँ लिख देंगे पूरा लिखिएगा बेरियम सल्फेट का पीपीटी। कलर नहीं पता है बता दे रहा हूँ, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, नहीं भी लिखो तो चलेगा। एंड एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला आप खुद बना के लिखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एल्युमिनियम क्लोराइड। सॉल्यूशन लिखा है तो हम यहाँ पे एक्वस लिख देंगे, और सबके नीचे नाम लिखना बेहद ज़रूरी है ताकि पता लगे कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट किया था, यहाँ है कहाँ बेरियम क्लोराइड, ये है बेरियम क्लोराइड, तो इसके नीचे नाम ज़रूर लिखें, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट है ना, और ये बेरियम सल्फेट और ये एल्युमिनियम क्लोराइड, यही बिल्कुल सही तरीका होता है, बैलेंस करके नाम ज़रूर लिखें। बैलेंस तो करा ही नहीं, अरे भैया बैलेंस कर लो, 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, तो जहाँ 2 और 3 की बात आती है, जहाँ 2 लिखा है वहाँ 3 लगा दो, जहाँ 3 लिखा है वहाँ 2 लगा दो, हो गए दोनों तरफ 6 6। बेरियम के यहाँ 3 हैं, बेरियम के यहाँ 3 कर दो, एल्युमिनियम के यहाँ 2 हैं, एल्युमिनियम के यहाँ 2 हो गए, SO4 के 3 हैं, SO4 के 3 हैं, SO4 के 3 हो गए, ये हो गए आपके इक्वेशन बैलेंस, ठीक है प्यारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है देखिए, बोल रहे हैं कि वन पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम और नाइट्रेट के का 1+ चार्ज, NO3 का 1- क्रॉस मल्टीप्लाई बन गया KNO3 इज हीटेड, लो हीट का साइन बना दिया एरो के ऊपर, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म पोटेशियम नाइट्राइट, यहाँ नाइट्रेट था यहाँ नाइट्राइट बन रहा है, नाइट्रेट का NO3 होता है, नाइट्राइट का NO2 होता है, ये 1+ ये 1- क्रॉस मल्टीप्लाई ये बन गया KNO2 प्लस ऑक्सीजन, बैलेंस करिए K1 K1 N1 N1, ऑक्सीजन 3 जबकि यहाँ पे 4। अभी क्या करें प्यारे, यहाँ दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें तो ये बन जाएगा 2 3 2 6, तो यहाँ पे भी 2 लगाइए तो क्या हुआ, K2 N2 K2 N2, ऑक्सीजन यहाँ 6 हैं और यहाँ देखिए 2 2 4 + 2 6 हो गए, इक्वेशन के आगे यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे अपवर्ड एरो, और ये इक्वेशन आपकी बैलेंस के नीचे नाम जरूर लिख देंगे, क्या पोटेशियम नाइट्रेट, पूरा लिखना मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है, और क्या ऑक्सीजन गैस, और अगर किसी चीज़ का कलर है तो कलर पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता है तो अभी वैसे भी चलेगा, ठीक है प्यारे, मेरे से पहले कर रहे हैं ना, चलिए आगे बढ़िए जल्दी से, छोटा सा आपका लेक्चर है आज का, क्या है देखिए, इसके बाद आपको क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ और एक क्विज का क्वेश्चन भी आने वाला है जो आप बताएंगे। फिलहाल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद, सारे के सारे इतने सारे प्रैक्टिस करा रहा हूँ प्यारे, लेक्चर छोटा है लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे करा रहा हूँ, और इसके बाद आप बुक से ज़रूर करिएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है OH, और फॉर्मूला क्या होगा प्यारे, Al के होता है 3+, OH का होता है 1- क्रॉस मल्टीप्लाई बन गया AlOH होल थ्राइस। रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड का तो भैया डायरेक्ट मालूम है, टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट, बच्चे एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 होल थ्राइस। बोले अरे सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया डायरेक्ट, हमें तो नहीं पता। प्यारे मुझे भी नहीं पता था शुरुआत में, लेकिन प्रैक्टिस कर करके अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब मुझे एकदम माइंड में ही ओरली पता चल जाते हैं एल्युमिनियम की 2 SO4 की Al की 3 SO4 की 2 क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप भी इतनी प्रैक्टिस करिए कि डायरेक्ट लिखने लगें, एल्युमिनियम का होता है 3+, SO4 का 2-, ये देखिए Al पे 2 SO4 पे थ्राइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया ओरली, बोले अच्छा एल्युमिनियम सल्फेट, सल्फेट का 2 होता है वो एल्युमिनियम पे ले आओ, एल्युमिनियम का 3 होता है उसे उधर ले जाओ, डायरेक्ट आने लगेगा प्लस वाटर, ठीक है प्यारे, ये इक्वेशन हो गई, नाम जरूर लिखेंगे, ठीक है।
नाम जरूर लिखेंगे सबके नीचे। बैलेंस तो कर दो, बैलेंस करोगे तो 2Al 2Al ऑक्सीजन OH के, अब यहाँ पूरा पूरा OH के 3 2 6 6 हैं यहाँ, लेकिन वहाँ OH है ही नहीं प्यारे, तो फिर आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 2 6 प्लस 2 8 6 प्लस 2 8, जबकि यहाँ कितने हैं, सिर्फ दो हैं, तो यहाँ पे 4 लगा के 8 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 2 6 6 प्लस 4 10 3 2 6 प्लस 4 10, जबकि यहाँ कितने हैं, 4 3 12 12 प्लस 2 कितने हो गए, 16। यहाँ कितने थे, 4 3 2 6 6 प्लस 4 10, जबकि यहाँ ऑक्सीजन के हैं 4 3 12 प्लस 4 16। अभी गड़बड़ है, यहाँ ऑक्सीजन के कम है, वो ऑक्सीजन के ज़्यादा हैं। इससे पहले एक काम ये कर लो, ऑक्सीजन से बजाय सल्फर अगर देखो तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सल्फर के 3 हैं, यहाँ सल्फर के 3 कर दो। अब चीज़ें बदल गई, ऑक्सीजन भी शायद बैलेंस हो गई हो, ऑक्सीजन के 3 2 6 और ऑक्सीजन के 4 3 12। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो जरा, 12 और 6 18, जबकि यहाँ पे 12 और 4 16। अभी गड़बड़ है, इस गड़बड़ को सही करने के लिए ऑक्सीजन पे अभी ध्यान मत दो, दूसरे सब्सटेंसेस पे दो। ऑक्सीजन पे क्यों ध्यान मत दो, क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह फैली हुई है, हर जगह है, उसको सॉल्व करना इक्वेट करना मुश्किल होगा। आप हाइड्रोजन पे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हैं, 6 और 3 2 6 6 और 6 12 हो गए हाइड्रोजन, जबकि यहाँ 8 ही रह गए, तो 12 करने के लिए यहाँ 6 लगाओ, तो हाइड्रोजन 12 हो गए। अब देखो ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 6 4 3 12 टोटल हो गए ऑक्सीजन 18, जबकि यहाँ देखते हैं 4 3 12 6 2 6 और यहाँ पे 12 और 6 6, ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 और 6 18, दोनों तरफ 18 18 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। थोड़ी लंबी क्वेश्चन थी, रब करके बिना देखे अपने आप बैलेंस करो और समझो कि कैसे करना है, काफ़ी अलग तरीके की बैलेंसिंग की ये इक्वेशन है। नाम ज़रूर लिखना है प्यारे, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी बात आई बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड का अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप बना के खुद लिखोगे जैसे मैंने समझाया है। ठीक है, रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस, नहीं प्लस नहीं, सॉल्यूशन है तो यहाँ पे एक्वस लिख दो एल्युमिनियम सल्फेट का, टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, या देख लो बेरियम सल्फेट, इसका 2+ इसका 2- कट गया, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बन रहा है तो डाउनवर्ड एरो। और एल्युमिनियम क्लोराइड का अभी हमने देखा था AlCl3। ठीक है, अभी ये काम है आपका, ये मैंने क्वेश्चन लिख दी, बैलेंस आप अपने आप करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, जल्दी से पॉज करिए और बैलेंस करिए। ठीक है प्यारे, इसके बाद आ रहा है आपका मास्टर ब्लास्टर मास्टर क्वेश्चन प्यारे, बहुत ही अलग क्वेश्चन, देखिए क्या है। इसके कुछ कंसेप्ट पिछले लेक्चर्स में थे, कुछ इस शायद इसका लेक्चर में भी हो। क्या क्वेश्चन है समझिए, ये हॉट्स का क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। व्हेन वाटर इज ग्रेजुअली एडेड टू वाइट सॉलिड, बोले हैं वाटर को ग्रेजुअली ऐड किया है वाइट सॉलिड एक्स में, एक्स प्लस वाटर, और एक्स कैसा है, वाइट कलर का सॉलिड है। क्या आपको ध्यान है कोई इस चैप्टर में ऐसा सब्सटेंस पढ़ा हो जो वाइट सॉलिड हो, नहीं ध्यान आ रहा, कोई बात नहीं, आगे कुछ और हिंट्स दे रखे होंगे जिससे पता चल जाएगा एक्स कौन है। अ हिसिंग साउंड इज हर्ड एंड अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, अरे याद आया भैया कि हम किसी एक वाइट सब्सटेंस को पानी में डालते थे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बहुत हीट बनती थी, पानी उबल जाता था, दूर हट जाते थे, कौन सा सब्सटेंस, चूना, उसकी वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी, है ना, इलस्ट्रेशन, चूने को जब पानी में डालते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से पानी गर्म हो जाता है, दूर दूर हट जाते हैं, और वो जब पानी में डालते हैं चूना तो पानी का एक सॉल्यूशन बनता है, लाइम को पानी में डालते हैं, चूने को पानी में डालते हैं तो बनता है लाइम वाटर, विच इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग, दीवारों को सफ़ेद करने के काम में आता है। तो ये पता चल गया ये कौन है, ये लाइम है, लाइम कह लो या फिर क्विक लाइम कह लो। ठीक है, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट वाई इज फॉर्म्ड,
प्रोडक्ट वाई बन रहा है। आपको मालूम है लाइम में जब पानी डालते हैं तो लाइम वाटर बनता है, लाइम वाटर बनता है। लाइम का फॉर्मूला CaO है, पानी का H2O है और लाइम वाटर होता है प्यारे CaOH होल ट्वाइस। तो ये X है, ये Y बन गया, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, इज अप्लाइड टू वॉल्स ड्यूरिंग द वाइट वॉशिंग। हाँ, Y को वॉल्स पे लगाते हैं। अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ वाई इज ऑल्सो यूज फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। बताया था कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट कैसे करते हैं, इट इज टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू अ लाइम वाटर, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड पास होने से मिल्की हो जाता है, ठीक है। वॉट कुड बी एक्स, ये लीजिए एक्स पता चल गया आपको कौन है, लाइम, कह देंगे क्विक लाइम या फिर लाइम, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला लिख देंगे CaO। व्हाट कुड बी प्रोडक्ट वाई, वाई भी पता चल गया क्या चीज है, लाइम वाटर कह लो आप इसे, या फिर कह लो स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं इसे, स्लेक्ड लाइम। और फॉर्मूला आपको पता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये ठीक है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सॉल्यूशन वाई, वाई का कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम तो बेटा मैंने बता दिया, लाइम वाटर इसका कॉमन नेम है। अगर ये यहाँ पे अलग से पूछ रहे हैं तो यहाँ पर आप लाइम वाटर ना लिख के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखोगे पूरा इसका केमिकल नेम, क्योंकि कॉमन नेम बाद में पूछा है, ये कॉमन नेम है, ये केमिकल नेम है, ठीक है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन एडिंग वाटर टू एक्स, वाटर को एक्स से रिएक्ट करने पर क्या केमिकल इक्वेशन होगी, वो आपने लिख दी। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इलस्ट्रेटेड इन द एग्जाम्पल, याद है आपको केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है, ये शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हीट निकलती है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, या चेंज इन स्टेट, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाना है, ठीक है प्यारे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये आपने सब चीज़ें पढ़ ली, लेकिन ये आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री पे है कि जो भी आपने पढ़ा उसको प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे रिलेट करें, इसलिए कंसेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है, ना कि रटना, ठीक है प्यारे। चलिए, ये इसको नोट करने के बाद आपके पास आ रहा है आज का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन प्यारे, क्विज क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके सबसे पहले देना है। एंड आई हैव टू सी कौन कौन बच्चे प्यारे प्यारे इसका सही आंसर करते हैं। सही करें, गलत करें, ट्राई ज़रूर करिएगा, मोर इम्पॉर्टेंट कि आपने ट्राई किया, गलत है या सही वो तो देख लेंगे बाद में। क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं सिल्वरी वाइट मेटल। अब वाइट मेटल सिल्वरी कौन सा होता है, ए पिछली तरीके का ही क्वेश्चन है, इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिबन, याद आया कौन सा सब्सटेंस, कौन सा मेटल रिबन की फॉर्म में लेते थे, याद करो, मुझे नहीं पता। व्हेन इग्नाइटेड बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट लाइट, सफेद लाइट से जलता है और वाइट पाउडर वाई बनाता है। When water is added to Y, it dissolves partially to form another substance. जो Y product बन रहा है उसको पानी में मिला दिया ताकि Z बन जाए। कह रहे हैं बताइए X क्या है, Y क्या है, and with which substance X combines to form Y? X Y बनाने के लिए किससे combine करता है, and Z कौन सा substance है? ये चार questions आपको बताने हैं, A B C D करके, A के आगे एक आंसर, B के आगे B का, C का D का, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है प्यारे। ये चार आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, देखते हैं कौन कौन इसको सही करता है। फिलहाल प्यारे आज का ये छोटा सा लेक्चर इतना ही था, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं ज़रूर करिए। कोशिश रहेगी कि अपनी ऐप पर इसकी असाइनमेंट जल्दी से जल्दी दूँ, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है ऐप का, डाउनलोड करके आप भी प्रैक्टिस करिए। फिलहाल प्यारे आज के लिए इतना ही है, रिवाइज करिए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड अगले लेक्चर तक के लिए ऑल द बेस्ट।